वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का दर्द भी छलका है। मैच के बाद उन्होंने हार का ठीकरा खराब गेंदबाजी और बल्लेबाजों के खराब शॉट सिलेक्शन को बताया। टीम ने 2 महीने चले आईपीएल के ठीक एक हफ्ते बाद ही ये फाइनल मैच खेला। इस पर भी रोहित ने निराशा जताई और कहा कि तैयारी के लिए कम से कम 20-25 दिन जरूर होने चाहिए थे। रोहित शर्मा ने आगे कहा, हमने उन परिस्थितियों में टॉस जीतकर अच्छी शुरुआत की, पहले सत्र में बेहतर गेंदबाजी की और फिर हमने जिस तरह की गेंदबाजी की उससे खुद को निराश किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को श्रेय देना होगा, हेड और स्टीव स्मिथ ने वास्तव में अच्छा खेला। इसने हमें थोड़ा सा सतर्क कर दिया। हमें पता था कि वापसी करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हम अंत तक लड़े। हमने उन 4 सालों में कड़ी मेहनत की है और 2 फाइनल खेलना हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि है। कप्तान रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ खिलाड़ियों ने गलत शॉट भी खेले, मगर T20 वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट, हम दबाव में नहीं खेलना चाहते हैं। दूसरी पारी में मैंने और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत की थी। हम ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना चाहते थे। हम अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हमें ये जीतना है, हमें वो जीतना है। हम 8-9 साल से यही सोच रहे हैं और चीजें हो नहीं रही हैं। अब हमें कुछ अलग सोचना होगा। हमारा फोकस कुछ अलग करने पर रहेगा। इसके अलावा रोहित शर्मा ने आईपीएल के असर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, इस तरह के बड़े फाइनल से पहले आपको तैयारी के लिए कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं। दरअसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम ने कोई वार्म अप मैच भी नहीं खेला था। रोहित और टीम मैनेजमेंट को इस बात की भी कमी खली है। आईपीएल 31 मार्च से 29 मई तक चला। इस टूर्नामेंट के खत्म होने के फौरन बाद ही भारतीय खिलाड़ी लंदन के लिए रवाना हो गए थे, जहां आईपीएल के ठीक एक हफ्ते बाद ही 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना था। ऐसे में समझा जा सकता है कि 2 महीने आईपीएल खेलने के बाद खिलाड़ियों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला और उन्हें एक हफ्ते बाद टेस्ट मैच खेलना पड़ा। इसके अलावा रोहित शर्मा आईसीसी पर नाराजगी जताते हुए भी नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जून में ही क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाता है। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड की मेजबानी पर भी सवाल उठाए। रोहित ने कहा, साल में सिर्फ जून ही ऐसा महीना नहीं है जब WTC फाइनल खेला जा सकता है, इसे फरवरी मार्च में भी खेला जा सकता है। WTC फाइनल सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी खेला जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब टीम इंडिया की हार की वजह खोजी जा रही है। वजह जो भी रही हो, देखना होगा आने वाले दिनों में इन पर कितना गौर किया जाता है और टीम इंडिया के प्रदर्शन में कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।